दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। दो दिनों तक बीजेपी की बैठक चलेगी। बैठक में लोकसभा विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में 12 राज्यों के सीएम और 35 केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक की शुरुआत की है। बैठक से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में मेगा रोड शो किया। ये रोड शो पटेल चौक से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक निकाला गया। इस दौरान सड़कों के दोनों ओर पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए आम लोगों और बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने प्रधानमंत्री के काफिले पर फूलों की बारिश की। रोड शो के बाद पीएम मोदी एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पहुंचे, जहां उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। और इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा। राहुल, बताइए क्या अहम मुद्दे रहे इस मीटिंग के, क्या कुछ निकल कर आ रहा है? और देखिए, कोई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 4 बजे शुरू हुई और ये कार्यकारिणी की बैठक अहम बॉडी मानी जाती है, जहां पे महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं, जो कि भाजपा में एक सबसे अहम बॉडी है, जहां पे पूरी जो भी फैसले होते हैं, क्या कैसे चलना है, क्या इम्प्लीमेंटेशन करना है, उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर विचार विमर्श किया जाता है। जो पहला, क्योंकि अध्यक्षीय भाषण से यहाँ पर शुरुआत हुई है ये बैठक में, और अध्यक्षीय भाषण में ही यदि देखा जाए तो तमाम जो मुद्दे रहे हैं, जिसमें कि खास तौर पर यदि कहा जाए 23-24 का चुनाव, क्योंकि 23 में 9 राज्यों में चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है 9 राज्यों में, उनकी किस तरीके से रणनीति रहेगी, किस तरीके से जहां पर बीजेपी सत्तारूढ़ है जिन राज्यों में, उन जगहों पे किस तरीके का रोडमैप पूरा का पूरा रहेगा, किस तरीके से चुनाव के मैदान में जाना है, किस तरीके से यहाँ पर प्लानिंग करनी है। उसके साथ ही साथ जहां पे ये विपक्ष में है, जैसे हम राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे दोनों जगह कांग्रेस की सरकार है, वहां पे किस तरीके की रणनीति रहेगी, किस तरीके से सरकार को यहाँ पर घेरेंगे और अपनी नीतियों रणनीतियों को कैसे जमीन पर लेकर के जाएंगे, इन सभी चीजों को भी यहाँ चर्चा किया जा रहा है। उसके साथ ही साथ, क्योंकि 2024 का भी चुनाव नजदीक है और 2024 के चुनाव के लिहाज से भी यदि कहा जाए तो उसका भी किस तरीके से एक पूरा खाका यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। इसमें सबसे अहम यदि देखा जाए तो बूथ स्तर पे किस तरीके से मजबूत किया जाए, जो चिन्हित करना है कि आखिर में कौन से बूथ और कितने बूथ ऐसे हैं जहां पे कि भाजपा कमजोर रही है, उन बूथ को किस तरीके से मजबूत किया जाए, इन सभी चीजों के बारे में कहीं सीधे तौर पे यहां पर चर्चा की जा रही है। उसमें देखा होगा आपने कि विगत कई चुनाव हुए, उसमें आपने देखा होगा कि पन्ना प्रमुखों को जिम्मेदारी दी गई थी। पन्ने में भी यदि कहा जाए तो एक पन्ने में 4-4 पन्ना प्रमुख बनाए गए थे। उस तरीके की ही पूरी रणनीति यहां पर तैयार की जा रही है। जो अध्यक्षीय भाषण हुआ था उसमें खास तौर पर प्रधानमंत्री का जिस तरीके का कार्यकाल, प्रधानमंत्री का जिस तरीके का कार्य और जिस तरीके से प्रधानमंत्री का पूरे विश्व में एक डंका बज रही है, आपने उसमें एक अध्यक्षीय भाषण में उदाहरण भी देखने को मिला कि यूक्रेन में जिस तरीके से बच्चे जब फंसे हुए थे तो 32,000 बच्चों को वहां पे निकाला गया, इन सभी चीजों को भी यहां पे किया गया। आज भी ये बैठक होगी, कल भी ये बैठक होगी, आज पॉलिटिकल रिजोल्यूशन अभी आएगा, थोड़ी देर बाद उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी, उसके बाद कल जो दो ठीक बात है, यानी मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो आगामी चुनाव को मद्देनजर ये कार्यकारिणी बैठक की जा रही है और किस तरह से चुनाव में रणनीति होगी बीजेपी की उस पर बात की जा रही है। बहुत शुक्रिया करेंगे राहुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम खबर को बताने के लिए।